Hello everyone, I hope everything is fine. Today in this video we are going to study the sixth chapter of English grammar, and that is nouns, singular and plural. So let's start the chapter without any delay. First of all, we all have to know the definition of singular and plural. So a noun standing for one person, animal, place or thing is said to be in the singular number. Okay, तो जो भी नाउन आप सबने चैप्टर 5 में पढ़ा नाउन एंड उसके टाइप्स, तो अब हमें ये जानना है कि जो भी आप वर्ड यूज करते हो एक नाउन की तरह, वो सिंगुलर है या प्लूरल नंबर है. ओके, तो जब भी कोई नाउन एक पर्सन या एक सिंगुलर एक पर्सन एक एनिमल प्लेस को जब डिनोट करता है तब वो सिंगुलर नंबर होता है. वही नाउन जब मोर देन वन पर्सन को डिनोट करता है तब वो क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है. अब हमें कुछ रूल्स यहाँ पे पढ़ने हैं कि कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं. ओके, तो रूल नंबर वन है, इन मस्ट केसेस वी फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. तो सबसे जो एक कॉमन रूल होता है, ये बहुत ही बेसिक सा रूल है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में हम अगर एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ड क्या होता है, प्लूरल में चेंज हो जाता है. जैसे कि बॉल को बॉल्स, डोर को डोर्स, बर्ड को बर्ड, ऐसे ही हम जब एस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा. एंड नाउ द रूल नंबर सेकेंड इज नाउन्स एंडिंग इन हीजिंग साउंड एड ईएस. तो जो भी वर्ड्स जो नाउन है वो ऐसे एंड होता है हीजिंग साउंड, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको जब हम थोड़े लॉन्ग टाइम तक बोलते हैं, जैसे बश, तो जो ये सा है ये जब लंबा हम बोलते हैं तो वैसे साउंड को हीजिंग साउंड कहते हैं. तो जो भी वर्ड जो भी नाउन जिसके लास्ट में जो एंड होता है एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से और एक्स से, उसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे. ओके, जैसे कि बस है तो बस का क्या हो जाएगा, लास्ट में एस है तो ई एस लगाएंगे, बसेज हो जाएगा. ऐसे ही एग्जाम्पल है, बट इसमें एक एक्सेप्शनल रूल है, वो ये है कि जो ऑक्स है इसमें एक्स है बट ऑक्स का हम ई एस नहीं ऐड करते हैं, उसमें ई एन ऐड करते हैं. ओके, ये एक अलग रूल है. एंड रूल नंबर 3 इज नाउन्स एंडिंग इन ओ. अब जो भी नाउन है जो भी वर्ड है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जिसके लास्ट में ओ आता है उसमें हम क्या करते हैं, ई एस ऐड करते हैं. ओके, जैसे मैंगो है, इसके लास्ट में ओ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मैंगोज. हीरो है, हीरोज, ऐसे ही. रूल नंबर 4 इज नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ही, अगर कोई भी वर्ड जो एक नाउन है अगर उसके लास्ट में वो एफ से एंड होता है या एफ ई से एंड होता है तब हम क्या करेंगे, उस एफ को चेंज कर देते हैं किसमें, वी ई एस में. ओके, जैसे कि यहाँ पे थिप है तो थिप्स हो जाएगा. ओके, यहाँ पे जो इसका एफ है उसको हमने किस चीज़ में चेंज किया, वी ई एस. ओके, वैसे ही एफ ई है तो एफ एंड एफ ई को हम हटा देते हैं और उसके जगह लिखते हैं वी ई एस. एंड रूल नंबर 5 इज नॉन एंडिंग इन कंसोनेंट प्लस वाई. तो इससे रूल नंबर 5 से पहले कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ है और भी रूल्स हैं इसके रूल नंबर 4 में, तो पहले हम वो देख लेते हैं फिर रूल नंबर 5 देखेंगे. जैसे कि मैंने रूल नंबर 4 में भी बताया कि जिस भी नाउन्स के लास्ट में एफ या एफ ई आता है उसमें हम क्या करते हैं, एफ या एफ ई को हटा देते हैं, चेंज कर देते हैं किसमें, वी ई एस में. ओके, बट कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको हम जो एंड होता है वो एफ से होता है या एफ ई से होता है बट हम उसमें क्या लिखते हैं, एस लगाते हैं, ना कि उसको चेंज करके वी ई एस है. तो ये एक्सेप्शनल है, वो कौन कौन से हैं, जैसे चिफ है, रूफ है, प्रूफ है, ये सब का क्या होता है कि ड्वार्फ है, तो ये सब क्या है कि इस सब के लास्ट में जो एंड है वो एफ से होता है बट हम इसमें एफ को चेंज करके वी एस ना लिख के इसमें एस लगाते हैं. ओके, लेकिन ये जो ड्वार्फ है इसको हम क्या करेंगे, हम ये भी लिख सकते हैं. ओके,
जैसे या तो एफ के बाद एस लगाएं या वी एस लगाएं, ये भी एक्सेप्टेबल है, बट ज़्यादा सुटेबल है कि हम इसमें एस लगाएं। ओके एंड अब जो है वो हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5। उसमें क्या है कि जो भी नाउन ख़त्म होता है वाई से, और वाई से पहले अगर कंसोनेंट रहे, ओके वोवेल एंड कंसोनेंट तो आप सबको पता ही होगा, तो जो कंसोनेंट है वाई से पहले अगर कंसोनेंट है तब उसमें हम क्या ऐड करेंगे, वाई को हम चेंज कर देंगे आई ई एस में। जैसे बेबी है, बेबी में वाई है जो एंड हो रहा है वो वर्ड क्या है, वाई है, बट वाई से पहले जो है वो बी है, वो कंसोनेंट है, तो हम क्या करेंगे वाई को चेंज करेंगे आई ई एस में, यानी बेबी का हो जाएगा बेबीज। वहीं वाई से पहले अगर वोवेल रहता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6, अगर वाई कोई भी नाउन जो है वो एंड हो रहा है वाई से, लेकिन उससे पहले वाई से पहले अगर वोवेल रहता है तब हम उस वाई को आई ई एस में चेंज नहीं करते हैं, बल्कि उसमें एस ऐड कर देते हैं। ओके इससे वाई में जो है वाई से पहले ओ वोवेल है तो हम क्या करेंगे इसको वाइज लिखेंगे, वाई के बाद एस ऐड कर देंगे। तो इसमें सारे रूल हैं, इसके 6 रूल हैं एंड इधर है और भी बहुत सारे अभी रूल हैं, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली।